चुनाव चुनाव मेरी आप सबसे गुजारिश कि 20 दिन घर में बैठना भाई, 20 दिन ये मत सोच के बैठ जियो और वो चुनाव जी हाँ ठीक है लागे रहो भाई लागे रहो। हाँ तो मैं जानती हूँ आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेरी ओर से मेरी माताएं बहनें बैठी मेरी ओर से हमेशा हाथ जोड़ के वोट मांगना है। अहंकार नहीं हम करते, अहंकार करें बीजेपी वाले, हम अहंकारी नहीं है, कांग्रेस अहंकारी नहीं हो सकती। साथियों 25 को चुनाव हो रहा है, 25 को चुनाव में मन में कोई वहम ना रखियो, जो कान में मेरे आगे अलग अलग कह देते हैं ना कि जी वोट तो दे देंगे और मशीन आप संभाल लियो। मशीन की बताऊं डर भी लगा जी बाबा को, डरने की बात ही नहीं रही भाई। जैसे आप दुखी हो रहे हो ना, सारे कर्मचारी आपसे भी ज्यादा दुखी हो रहे हैं, और कर्मचारी कोई गलत काम नहीं होने देंगे किसी का, चाहे कोई भी हो। जो खुद दुखी है वो क्यों कर गलत काम होने देगा। तो इसलिए बिल्कुल नहीं दबना घबराना कोई बात नहीं है, हम आपसे वायदा जरूर करेंगे। 5 न्याय हम आपको दे रहे हैं, 25 गारंटी, ये हमारी गारंटी है। मोदी जी की जुमलेबाजी नहीं है, अगर भाई 20 करोड़ नौकरियां 25 लाख जेबों में ऐसा वोट दिया, पहले कभी पहले लाइन वो उससे आके वो उससे आके अपने खाते खुलवाओ 20 लाख आएगा 20 लाख आएगा आ लिया खाते वाले भी ले गए, जेब भी काट ली, नोटबंदी भी कर दी, 2 रुपए यहाँ से देंगे और वो सारे जेब से निकाल देंगे। अब ये बताओ, देखो हमारा वायदा है कांग्रेस पार्टी से हमारे किसानों के लिए, किसानों के लिए हम MSP को कानूनी दर्जा देंगे, किसानों के कर्जे भी माफ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। युवाओं की पहली नौकरी पक्की करेंगे, हमारे गरीबों के, मेरी बहने बैठी हैं, बहनों की जरूर कहूंगी भाई, बहनों हर गरीब घर में 1 महिला को हर साल 1 लाख रुपया देंगे। भाजपा वाले कहे ना कि पैसे कहाँ से लाएंगे, कह दियो अब भाई देश की संपत्ति हमारे ऊपर लगेगी, इनके 4 उन नाम नहीं लेंगी इलेक्शन, ये खड़े इलेक्शन कमीशन वाले पता नहीं क्या नोटिस दे देंगे मेरे को, अटानी अंबानी का दो ही पुत्र है मोदी का, अटानी अंबानी सारा पैसा उनको दे दिया, उनके कर्जे माफ कर दिए लाखों करोड़ों के, तो हमारे गरीबों को क्यों ना मिले उनका हिस्सा, किसानों को क्यों ना मिले उनका हिस्सा। और भाई कुछ एम्प्लॉय भी खड़े हैं यहाँ पे, कुछ छुपे छुपे खड़े हैं, कुछ ड्यूटी पे खड़े हैं, उनको भी बता दो OPS आपका हम लागू करेंगे, OPS करेंगे तो, क्योंकि हमने न्याय करना है, इंसाफ करना है, कोई लॉलीपॉप नहीं देते हम भाजपा की तरह सब। हाँ जी याद दिलाई, मेरे सरपंच भाई, मेरे सरपंच भाई, नहीं मैं मजाक नहीं उड़ाना चाहूंगी, देखो क्योंकि हमारे भाई हैं वो भी जनप्रतिनिधि है, उनके उनको अधिकार हमने दिए थे कांग्रेस पार्टी ने, राजीव गांधी ने दिए थे, और आपके अधिकार इन लोगों ने खींचे हैं, आपसे छीन लिए। और जब लोकतंत्र में हमारे सरपंच भाई और बहन गए वहाँ पे पंचकुला में अपनी आवाज़ उठाने, तो लाठियाँ बरसाई आपसे, अब कई बेचारे पुलिस वाले जी तो नहीं करता था, पर सरकार का हुक्म मानना पड़ता है, तो बेचारों की मजबूरी होगी।